दोस्तों, आपके सामने विक्रम भडाना और विक्की भडाना जी हैं। और आपको बता दें कि हाल में एक मामला हुआ था ग्रीनफील्ड कॉलोनी में, मंत्री जी आए थे, केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर जी, उनके कार्यक्रम में कुछ बहस हुई थी, विवाद हुआ था। और उसके बाद कल शायद सारनाथ थाना सूरजकुंड में एक FIR दर्ज हुई, FIR नंबर 190। भाई साहब, आपने दर्ज करवाया FIR? हाँ जी, मैंने। क्या हुआ था जरा बताएंगे? जो एक सरकारी प्रोग्राम था, हाँ, मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, वो वहाँ पे एक सड़क की हमें, हाँ हाँ जो सड़क बन रही है, उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन के लिए आए थे, हमें बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा सौगात मिल रही थी। उसमें काफी हमारे जो मुख्य अतिथि मौजूद थे, उसमें हमारे भारत भूषण जी जो ग्रीनफील्ड के चेयरमैन और NHPC के जो है वो चेयरमैन, सभी लोग मुख्य अतिथि वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या हुआ था जो है उसके बाद? सभी को बोलने का मौका मिला, इनको भी, हमारे जो स्टेज के जो बोल रहे थे संचालक ने, उनको भी मौका दिया। इन्होंने क्या गलत बोल दिया था उस टाइम जब विवाद हुआ था? इन्होंने हमारे जो भारत भूषण जी चेयरमैन साहब है उनके लिए शब्द कहा, अच्छा, उनके लिए चोर कहा, इन्होंने ऐसे अजीब सी भाषाएं बोलनी शुरू कर दी। क्योंकि हमने इसको रिक्वेस्ट करी, खड़े हुए हमने कहा भाई ये हमारे जो अतिथि देवगण, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, कोई भी हमारा जो अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि थे वो, उनकी बेइज्जती आप क्यों कर रहे हो? तो इसने कहा नहीं, मैं तो करूंगा। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप अपना स्टेज लगाएं, वहां कुछ भी करें, ये हमारी स्टेज है, आपकी स्टेज नहीं है, हम इस पे उनकी बेइज्जती नहीं करने देंगे। ये उग्र हो गया, इसने अपने लड़के बुला लिए, आदमी बुला लिए झगड़े के लिए, काफी झगड़ा लिया। FIR में लिखा है कि आपकी कार पर हमला किया गया जो है। जब मैं वहां से निकल के चला तो इसने अपने के तीन लड़के, इसके खुद के जो इसके सपुत्र हैं वो मौजूद थे, जिन्होंने मुझे गाली गलौज दी, बदतमीजी की, और मेरी गाड़ी में उन्होंने मेरी गाड़ी की में डंडों से वार किया। अच्छा। और इनका एक भाई है सुंदर भड़ाना, वो भी मौजूद था। उन्होंने भी कहा कि मैं जान से मार दूंगा, धमकी दे रहा था 15 दिन के अंदर तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। FIR में आपने लिखा है कि ये लोग बदमाश हैं और कुछ अन्य बदमाश भी साथ थे, क्या मामला है? इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे, पहले हमारी एक लेडीज प्रेसिडेंट है सुनीता मलिक, उसके खिलाफ इसने बड़ी बदतमीजी करी, उसे मारा। अच्छा। उसके बावजूद एक हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर है जो बिल्डर है, उसको इसने बुरी तरह मारा, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। इसका भाई सुंदर 8-9 महीने जेल में रहा। अच्छा। साल रहा, ये खुद 9-10 महीने तक दौड़ता रहा, और इसको एक पुलिस दरवाजा तोड़ के, बाथरूम के दरवाजा तोड़ के इसको निकाला और पकड़ के पुलिस इसको ले गई। अच्छा। इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, अब भी इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। तो आपने उसमें लिखा है शिकायत में कि आप बहुत डरे हुए हैं और घर से नहीं निकल रहे हैं, क्या मामला है? डरे हुए हैं जो है? डरने का मतलब ये जान से मारने की धमकी दे रहा है, जो नेचुरल है। जो आदमी ये कहता है कि आपका ऑफिस ग्रीनफील्ड में है, मुझे तो ये कहता है कि पता नहीं मैं कहीं बाहर विदेश का रहने वाला हूँ। मैंने इसको कहा भाई ये गलत काम है, इसको आप मत कीजिए, आप प्रजातंत्र है, इसमें कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है। तो जबरदस्ती कहता है कि मैं नहीं, तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे ये करो, धमकियां देता है। पहले इसका रिवाज था कि अपना जन्मदिन मनाना तो लोगों से 11,000-11,000 रुपए जबरदस्ती उग्राही करना। अच्छा। पत्थर चोरी करना, पूरे ग्रीनफील्ड का जितना भी, अगर ये आप किसी से पूछ सकते हो, जितने भी ग्रीनफील्ड में अगर खड्डे हुए पड़े हैं जो 100 फुट है, 10 फुट है, सब इसने किए। अच्छा। पानी माफिया ये रहा है, पत्थर चोरी रहा, इसने कोई ऐसा काम नहीं जो अपने जीवन में नहीं किया। और उसके बाद ये कहता कि मेरे से ज्यादा कोई भी अच्छा सेवा करने वाला नहीं है। तो पुलिस से क्या मांगे आपकी जो है? मैं कहता हूँ पुलिस मुझे सुरक्षा दे, मेरी मेरी रक्षा करे, इसमें सुरक्षा अच्छा करे। तो इनमें से कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं? अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा। और मैं पुलिस से ये अपना अनुरोध करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के अंदर किया जाए। एक इसने झूठा और एक कहा था, ये पुलिस में BC है, और वो BC इसका शब्द इसने पता नहीं क्या ले दे के उस समय में हटवाया। लेकिन मैं दोबारा पुलिस से, कमिश्नर साहब से, SHO साहब से, जब भी मतलब उच्च अधिकारी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका नाम उसमें दोबारा से डाला जाए। अच्छा। क्योंकि इसका रोज का ये धंधा है, अब भी ये उग्र है, अभी भी उसी काम पे चल रहा है, ये कभी भी नहीं सुधर सकता। तो FIR में बिंदे भड़ाना और कितने नाम है जो? बिंदे भड़ाना है, उनके तीनों लड़के हैं। अच्छा। और एक सुंदर इसका भाई है, वो भी मौके पे था, जो ये कह रहा था कि मैं 15 दिन के अंदर तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा। वो ये मेरे बोला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। अभी आप काफी डरे हुए लग रहे हैं। मैं काफी घबराया हूँ, देखूंगा पुलिस मेरे को सुरक्षा मुहैया। तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, जल्दी से जल्दी, और आपको सुरक्षा दी जाए, आपके परिवार, आपके परिवार की सुरक्षा की जाए। हाँ, मेरे परिवार की सुरक्षा, क्योंकि मेरे ऑफिस है, मुझे तो रोज आना है। अच्छा।
ये कहते कि तुम अपने ऑफिस पे आओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इन्हें पहले भी काम है, इन्होंने कई लोगों पे ऐसे हमले किए हैं, एक नहीं है इनका इतिहास। अच्छा, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और एक ये नहीं, 8-8, 10-10 महीने तक ये फरार रहते हैं मार के लोगों को। तो क्या आपके ऊपर दबाव वगैरह डाला जा रहा है? बहुत प्रेशर है कि आप अपनी एप्लीकेशन वापसी ले लो, नहीं तो ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आप करोगे उसे तो आपने करना ही है, कीजिए। लेकिन मैंने कहा मैं अपनी एप्लीकेशन वापसी ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू।